औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सना सुल्ताना, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम भाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, लेक्चरर ऑफ आईएसपी मुल्तान। अच्छा गाइस, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या है हमारे पास रेगुलर स्पेस का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये लास्ट यू नो मैं इतनी टेंशन ना लें, इसको अब हम ख़त्म करते हैं, इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ये हमारे पास क्या है, आपने अब ये शो करना है जो हम पीछे कर करके आए हैं, आप लोगों का तो अब ये फेवरेट बन जाना चाहिए, टी ज़ीरो एवरी सब स्पेस ऑफ टी ज़ीरो स्पेस इज़ टी ज़ीरो, टी वन इज़ जी टी वन, टी टू इज टी टू। तो अब रेगुलर स्पेस का सब स्पेस, एवरी सब स्पेस ऑफ रेगुलर स्पेस इज रेगुलर, वही बात जो आप लोगों को पता है कि आपके अब ये तो मेरा फेवरेट बन गया कि ये हमारे पास बड़ा स्पेस रेगुलर है, छोटा स्पेस सब स्पेस है। अब इस छोटे स्पेस को आप लोगों ने रेगुलर शो करना है। अब रेगुलर शो करने के लिए आप लोगों को पता है जिस चीज़ को रेगुलर शो करना होता है उससे दो चीज़ें लेते हैं, एक तो क्लोज सेट, लेट ए बी अ क्लोज सेट इन वाई, और एक इस सेट का पॉइंट वो सच डैट दिस पॉइंट डज नॉट बिलोंग टू दिस क्लोज सेट, सच डैट एक्स डजंट बिलोंग टू दिस क्लोज सेट ए। ओके, बात समझ आती है। अच्छा, अब फिर वो उसे याद आया, ओए हाँ मुझे याद आया, वाई इज अ सब स्पेस ऑफ एक्स, वाई तो सब स्पेस है एक्स का। इसका मतलब ये है कि वाई का आप कोई भी कोई एक्स का क्लोज सेट होगा जिसके साथ वाई का आपने इंटरसेक्शन लिया होगा, तो ये क्लोज सेट वजूद में आया होगा, वाई सब स्पेस है ना, वाई सब स्पेस है। There exist a closed set, कोई एक क्लोज सेट होगा और वो बी एक्स का कोई क्लोज सेट होगा सच डैट उसका वाई के साथ इंटरसेक्शन लिया होगा तो ए बना होगा, ये क्लोज सेट वजूद में आया होगा। अब इधर एक और बात वो बता रहे हैं, वो कहता है ये जो ये एक्स है वो ए में बिलोंग नहीं करता, अगर एक्स ए में बिलोंग नहीं करता तो 100% इस क्वांटिटी में भी बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा, ये भी बात समझ आती है। अब फिर वो कहता है मैं गारंटी के साथ देता हूँ एक्स बी में बिलोंग नहीं करता। भाई क्यों, रीज़न, क्योंकि एक्स तो वाई में बिलोंग करता है, वाई का तो एलिमेंट है, और अगर यहाँ पे आया हुआ एक्स डजन का सैंपल है, इसका वाई में तो एक्स बिलोंग करता है, इसका मतलब है बी में नहीं था जो इधर इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आया है, अगर दोनों के इंटरसेक्शन में होता तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल होता, तो इसलिए यहाँ पे डज नॉट बिलोंग का इसका मतलब है या तो एक्स इसमें नहीं है या इसमें नहीं है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट तो कह रही है कि वाई के पास है, इसका मतलब है 100% बी के पास नहीं है। ये बात याद रखिएगा, आगे चलो। अब उसे याद आया एक्स तो मेरा बड़ा जो स्पेस है वो तो रेगुलर है, और रेगुलर तो ये कहता है कि मेरे पास कोई क्लोज सेट हो, हाँ अभी आपने क्लोज सेट लिया था ना मेरे, और एक मैं एक्स जाहिर सी बात है अगर एक्स वाई का एलिमेंट है, वाई तो एक्स में कंटेन करता है, इट मीन्स एक्स तो वाई का एक्स का कैपिटल एक्स का भी एलिमेंट होगा। ओके, वो कहता है और वो एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा, ऊपर यही बात आपने शो किया है एक्स जो है वो बी में तो बिलोंग नहीं करता। ओके, अब यहाँ पे एक्स गारंटी देगा कि मेरे पास दो ओपन सेट ऐसे हैं सच डैट एक का नाम यू है दूसरे का नाम वी है, सच डैट एक में एक्स बिलोंग कर रहा है और एक में बी कंटेन कर रहा है, और एक और मजे की बात एक्स और वी का इंटरसेक्शन खाली सेट है। ओके, अब आप लोगों को पता है यू और वी किसको बिलोंग कर रहे हैं, किसको बिलोंग कर रहे हैं, टाको बिलोंग कर रहे हैं ना। अच्छा, और ये दोनों ओपन सेट हैं, अब आपको पता है याद होगा टा वाई के एलिमेंट कैसे बनते हैं, ओपन सेट हर ओपन सेट का वाई के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो यू एक ओपन सेट है इसका वाई के साथ इंटरसेक्शन लिया, वाई के साथ इंटरसेक्शन लेने से हमारे पास सपोज किया यू वन एक नया सेट बना, उसका नाम मैंने रख दिया यू वन, और अब आपको पता है 100% ये यू वन इसकी वाई की टोपोलॉजी में जाएगा क्योंकि ये रिलेटिव टोपोलॉजी की डेफिनेशन है। इसी तरह ये भी ओपन सेट है, वाई के साथ इंटरसेक्शन 100% आएगा, और उसको हमने नाम दिया नया जो सेट आएगा इन दोनों के इंटरसेक्शन से नए सेट को नाम दे दिया v1, और v1 को भी बिलोंग करवा दिया 100% ये बिलोंग करेगा रिलेटिव टोपोलॉजी में। ओके, वो भी हो गया। चलो बाकी जरा गौर से तो देखो, एक्स आपने चीख चीख के कहा था वाई का एलिमेंट है, वाई का एलिमेंट है। ओके, अब एक्स आपने यहाँ पे भी कह दिया कि यू का एलिमेंट है, एक्स वाई में भी है यू में भी है, तो गारंटी है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगा, और अब आपको पता है अगर एक्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में आ गया तो गारंटी है कि यू वन में भी आएगा, आ गया। और अब आपने वो चीज़ शो नहीं कर दी कि आपने बहाने से दो ओपन सेट बना लिए, एक में एक्स बिलोंग करवा दिया,
दूसरे में आपने वो जो क्लोसेट लिया था, क्लोसेट आपने क्या लिया था, ए लिया था, वो कंटेन करवाना है। कैसे करवाती हैं अब उसे गौर से देखना, वो तो मेरा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आप लोगों ने ये वाली चीज़ उठा ली, बी कंटेन कर रहा है वी में, आपको पता है वाई के साथ इंटरसेक्शन इधर भी लिया, वाई के साथ इंटरसेक्शन इधर भी लिया। अब आपको पता है बी इंटरसेक्शन वाई, बी इंटरसेक्शन वाई ए के बराबर है, यहाँ पर आ गया ए, और वी इंटरसेक्शन वाई, वी इंटरसेक्शन वाई वी वन के बराबर है, वो आ गया ये। अब ज़रा गौर से तो देखो, ये आपका क्लोज सेट कंटेन कर रहा है एक ओपन सेट में, और ये ओपन सेट कहीं और का नहीं, इसी वाई का ओपन सेट है। चलो ये दो आपने पॉइंट पकड़ लिए, और अब ऊपर ही आपने बोल दिया था एक्स भाई ए में कंटेन नहीं करता। अच्छा, और आपने यही चीज़ शो करना था, एक तो ये कि एक्स उस ओपन सेट में बिलोंग करे, ए जो है उस ओपन, एक और ओपन सेट में कंटेन करे। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों का यू वन और वी वन दोनों का इंटरसेक्शन खाली होना चाहिए। जो यू वन और वी वन का इंटरसेक्शन लेते हैं, यू वन की वैल्यू पुट करो, वी वन की वैल्यू पुट करो, इंटरसेक्शन वाई कॉमन है, कॉमन ले लो। अब यू इंटरसेक्शन वी खाली सेट, खाली सेट का वाई के साथ इंटरसेक्शन खाली सेट, तो ये हमारे पास टोटल हो गया खाली सेट। तो आपने शो कर दिया भाई वाई इज रेगुलर स्पेस। चलो बच्चों, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।